में नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हाथी के बारे में। अब डॉक्टर हाथी का नाम जब आ गया है तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं उनके निधन के बारे में। अब जैसा कि सब जानते हैं कि इन दिनों एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है डॉक्टर हाथी के निधन की खबर को पाकर। जहां इस साल को, यानी साल 2018 को बॉलीवुड के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, या यूं कहें कि टीवी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बुरा साल बताया जा रहा है, जहां आए दिन कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर सामने आती ही रहती है, तो वहीं बीते ही दिन डॉक्टर हाथी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाया करते थे, बीते ही दिन उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। इस बात से हर किसी को गहरा सदमा लगा। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो उनकी जान बच भी सकती थी। जी हाँ दोस्तों, उनके पड़ोसी ने इस बात का खुलासा किया है कि डॉक्टर हाथी की जान बच सकती थी और उनका निधन हुआ है ज़्यादा नशा करने की वजह से। उनके पड़ोसी का कहना है कि वो नियमित तौर पर, यानी आए दिन वो नशा किया करते थे और निधन से एक दिन पहले भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक की थी। अब भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में डॉक्टर हाथी की जान को बचाया जा सकता था, या क्या सिर्फ उन्हीं की लापरवाही की वजह से ही उनकी जान गई? इस बारे में आज हम आपको इस खास प्रोग्राम में दिखाएंगे। इसी के साथ बता दें कि जब से उनके निधन की खबर सामने आई है तभी से टीवी इंडस्ट्री शोक की लहर में डूबी हुई है। तो वहीं हाल ही में जब निधन के बाद उनको घर पर लाया गया तो उनके माता पिता उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने पड़े। अब भाई दोस्तों, यूँ तो हर माता पिता की ज़िंदगी में ये सबसे बुरा पल होता है जब किसी की संतान उनके जाने से पहले ही दुनिया से चली जाती है। हर माँ बाप के लिए ये सबसे दुख का समय होगा अगर किसी के साथ ऐसा हो तो। तो चलिए, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको डॉक्टर हाथी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इन दिनों एक बार फिर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। टीवी के फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी का बीते ही दिन निधन हो गया, जिसके चलते हर कोई सकते में। अब जहां डॉक्टर हाथी हमेशा ही काफी फिट नजर आते थे, काफी ठीक ठाक लगते थे, वहीं अचानक ही उनका इस दुनिया से यूं चले जाना हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं। तो वहीं अब उनके निधन के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो बच सकते थे, उनकी जान बच सकती थी। इस बात का खुलासा किया है डॉक्टर हाथी के पड़ोसी ने। जी हाँ, हाल ही में उनके पड़ोसी ने कहा है कि वो नियमित तौर, यानी आए दिन वो नशा किया करते थे और निधन से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक की थी। रिपोर्ट्स की माने तो कवि कुमार को अचानक सोमवार सुबह सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। इस दर्द के चलते उन्हें तुरंत मुंबई के वोकहार्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। जिस समय उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उस समय पर वो बेहोश थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने ये कह दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद अब हर कोई सदमे में है क्योंकि कवि कुमार अभी तक ठीक थे, लेकिन अचानक ही उनका यूं चले जाना किसी के लिए भी सदमे से कम नहीं रहा। जहां हमेशा ही उन्होंने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई, हमेशा ही उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया और अचानक ही उनका यूं चले जाना ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री बल्कि उनके दर्शकों के लिए, उनके फैंस के लिए भी काफी सदमे से भरा रहा है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि अचानक ही वो इस दुनिया से चले गए। इसी के साथ बता दें कि अपने घर के बाद जब उनको घर पर लाया गया तो उनके माता पिता उन्हें देख कर फूट फूट कर रोने लगे। अब किसी भी इंसान के लिए, किसी भी माता पिता के लिए ये पल सबसे दुख भरा होता है जब उन्हीं की संतान उनके सामने इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। अब जरा सोचिए उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा कल तक बिल्कुल ठीक था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया का सबसे दुखदायी पल होता है। लेकिन फिर भी बता दें कि उनके निधन के बाद तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जहां किसी को भी नहीं थे इस बात की उम्मीद कि वो इस दुनिया से यूं चले जाएंगे अचानक ही। वहां टीवी सीरियल से जुड़े उनके फैंस तो वहीं टीवी सीरियल में काम करने वाले दूसरे कलाकार भी
उनके यूं चले जाने से बेहद परेशान नजर आए हैं और उनको लेकर सोशल मीडिया पर अपने दुख को जाहिर कर रही है। टीवी सीरियल से जुड़े कलाकार लगातार सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी यादों को शेयर भी कर रहे हैं उनके और अपने फैंस के साथ, जिससे इस बात का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है कि उनके जाने से हर किसी का दिल दुखा है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एक्टर रहे कवि कुमार आज़ाद, यानी कि डॉक्टर हाथी की जो भूमिका निभाते थे वो शो में, उनसे जुड़ी एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई थी, जो कि उनके निधन की खबर थी। जी हाँ, खबर ये रही कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। लेकिन इन दिनों जो खबर वायरल हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। दरअसल उनके निधन के बाद ये खबर सामने आई कि निधन से एक रात पहले वो ड्रंक थे। जी हाँ, जहाँ नशे में उनको बताया गया तो वहीं इसी कारण उनको हार्ट अटैक भी आया, ये भी खबर सामने आई। जी हाँ, सभी फैंस और सभी करीबी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी को लेकर, क्योंकि उनके निधन ने सभी को ही काफ़ी दुख पहुंचाया है। आपको बता दें कि तारक मेहता शो बहुत पॉपुलर है और हर घर में फॉलो किया जाता है। टीवी के सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार का निधन हो गया है। जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही पूरे टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं कवि कुमार के फैंस को भी एक गहरा सदमा लगा है। इसी के साथ शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग भी रोक दी गई है। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई है, डॉक्टर हाथी को अपने निधन का आभास पहले ही हो चुका था। जी हाँ, डॉक्टर हाथी का आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो उन्होंने करीब 2 साल पहले किया था। बता दो, उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, किसी ने कहा है कि कल होना हो, मैं कहता हूँ पल होना हो, हर लम्हा जियो। उन्हें इस ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर पल को जीना चाहते थे और कहीं ना कहीं उन्हें अपने निधन के बारे में आभास काफी ही पहले हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार ने कुछ टाइम पहले ही 80 किलो वजन कम किया था। इससे उन्हें चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि कवि कुमार यानी कि डॉक्टर हाथी को एक्टिंग के साथ साथ कविताएं लिखने का भी काफी ज्यादा शौक था। वो एक्टिंग के लिए छोटी सी उम्र में ही अपने घर से भाग गए थे और मुंबई आकर उन्होंने अपना एक्टिंग में करियर बनाया और सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें, सबसे ज्यादा पहचान उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने ही दिलाई थी। वेल, दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में जब आपने देखा डॉक्टर हाथी को लेकर। डॉक्टर हाथी जो अपने वजन की वजह से भी जाने जाते थे, लेकिन बावजूद इसके सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे आज दर्शक देखना खूब पसंद करते हैं, हमेशा ही डॉक्टर हाथी का किरदार में उन्होंने बेहतरीन तड़का लगाया एक्टिंग का। दर्शकों ने हमेशा उनको खूब पसंद किया, लेकिन अब इस दुनिया को अलविदा कहकर वो अपने फैंस को एक गहरा सदमा दे चुके हैं, जहां किसी को भी नहीं थी इस बात की उम्मीद कि बिल्कुल ठीक ठाक से दिखने वाले डॉक्टर हाथी यूं अचानक ही दुनिया से चले जाएंगे। और जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई वैसे ही हर कोई सकते में आ गया। अब भाई हर किसी की तरह, दर्शकों की तरह, उनके फैंस की तरह हम भी बेहद शॉक्ड हैं इस बात से, क्योंकि जहां आए दिन ही उनको लेकर कुछ ना कुछ सामने आता रहता था, तो वहीं आज उनके निधन की खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है और हर कोई गहरे दुख में है। वेल, दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।